मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सागर से कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी निधि जैन और सागर नगर निगम से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करने सागर पहुंची। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा के पास अब पैसा, प्रशासन तथा पुलिस के अलावा और कुछ नहीं बचा है। साथ ही कमलनाथ ने निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर इशारों में निशाना साधा। वही चुनाव में गड़बड़ी के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी सतर्क है। 20 साल विधायक रहे, 20 साल महापौर रहे, और उसके बाद अगर हमारे सागर की ये स्थिति हो, नालियों की होए, झील की होए, मैं जब शहरी विकास मंत्री था मैंने झील के लिए पैसा दिया था, ये रिकॉर्ड की बात है। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ कि हर कदम पर झूठ बोल लूँ, ये रिकॉर्ड की बात है। मैं आया था सागर और हमने 4 योजनाओं की शुरुआत करी थी, उसका पत्थर लगाया था। आज जो नालियाँ सड़क से ऊपर केवल स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का माने स्मार्ट सिटी का माने भ्रष्टाचार। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।